मुक्तेश्वर महादेव बचाओ समिति का एक शिष्टमंडल जिलाधीश रामवीर को मिला। इस अवसर पर समिति की ओर से मुक्तेश्वर धाम को बचाने हेतु मांग पत्र जिलाधीश को सौंपा गया, जिसकी जानकारी में समिति सदस्यों ने बताया है कि अगर एक महीने के भीतर इसका हल ना निकाला तो समिति सदस्य संघर्ष तेज करेंगे। आज मुक्तेश्वर महादेव बचाओ समिति का एक प्रतिनिधि मंडल डिप्टी कमिश्नर पठानकोट जी ने उन्होंने दफ्तर आके मिले। अहीं पिछले 3 साल तो संघर्ष कर रहे हैं और सानू सिवाय आश्वासन तो कुछ नहीं मिले। हर बारी जो अं प्रश्न करने गल रखने किसी मंत्री मिलने सूँ कहें कि बच गया बच गया बच गया, पर ग्राउंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अज तक ये लोग प्रपोजल फाइनल नहीं कर पाए। अं डायरेक्टर साहब को जाने डिजाइन डिपार्टमेंट के, वो कहें कि सूँ चीफ इंजीनियर दसे कि अमाउंट जो ड्राइंग बनानी है। जल्द अं चीफ इंजीनियर को जाने तो कहें कि हाई ड्राइंग डिपार्टमेंट ने सूँ ड्राइंग बना के दी नहीं। इन दोवें दफ्तर की आपसी तालमेल ना होने करके असी लोग परेशान हो रहे हैं। साडा बार बार साडा वादा ही कि बिराज का काम शुरू होने तो पहला प्रपोजल बन सी, पर अज बिराज का काम शुरू होने लगभग महीना हो चलिया पर साड़ी प्रपोजल का कोई अता पता नहीं है। जाखड़ साहब भी आए ही, सरकारिया साहब भी आए ही, उन्होंने भी सानू पूरे जोर नाल आश्वासन दिता कि हर हालत मुक्तेश्वर धाम को बचावे। और जिस तरह जनता और पब्लिक और कमेटी मंग करती है उस तरह बचावे, पर जल्द अं चीफ इंजीनियर को जाने तो कहें कि हजे तक कुछ नहीं बनया। कागज़ से सू अज तक प्रपोजल का कोई नक्शा कोई ड्राइंग सू बना के नहीं दसी कि लोग किस तरह उत्थे काम करे तो कदों काम करे। ना सू कोई डेट देंगे ना कोई कदों 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 इन्होंने काम कंप्लीट करना है कदों काम शुरू करना है। अज अं इस बारे डी साहब को मिले, अपना एक मंग पत्र उत्थे दिता कि सू पार्किंग वास्ते जगह अलॉट की जाए, साड़ी सड़क जी है वो 32 फुट चौड़ी बनाई जाए, तो साड़ा प्रपोजल नंबर 1 जी कि बना के डैम वाल नहीं बनाई दी है प्रपोजल 1, जिसे अं 100 मीटर लंबी दीवार लगा के अंदर फिलिंग करके उत्थे जगह बनाइए ताकि अस्थि घाट स्नान घाट बंद वास्ते तो स्नानागार औरतों वास्ते और जोड़ा घर और लंगर वास्ते स्थान सू उपलब्ध होए। साड़ी मंग है पुरजोर मंग है कि सानू उत्थे ये सारे काम करने वास्ते 3-4 कनाल जगह की जरूरत है और वो जरूरत ही हल होंगी है जे 100 मीटर लंबी दीवार लगा के अंदर फिलिंग करके तो बनाया जाए। धन्यवाद। छापर कंडी बराज प्रोजेक्ट जिसका काम 2013 शुरू होया, 2014 जिसका काम बंद होया, 2014 तो आप सारे अंदोलन 4 साल हो गए अंदोलन करते हुए। वो तो आप पहले 2014 अक्तूबर महीने जो जनरल रैली कढ़ी सी उदो प्रशासन ने सानू आश्वासन दिता है कि आप 6 महीने के अंदर आप दीवार बना के इन सुरक्षित करा, पर 6 महीने भी बीत जाते भी वो काम नहीं। 2015 फिर आप एक जनरल रैली कढ़ी सी, जनरल रैली जो कहला कि आप सही तरीके दीवार लगाने लिए जियोलॉजिकल सर्वे की सर्वेक्षण होएगा, उस तो बाद ही दीवार लगेगी। चलो उस तो बाद जियोलॉजिकल सर्वे उसकी टीम आई, उन्होंने सर्वेक्षण भी किया, अच्छा सर्वेक्षण हो अब 2 साल तो वह समय बीत गया है, परंतु अज तक भी सरकार और प्रशासन ने अब इन सुरक्षित किदा किया जाए इस बारे कोई प्रपोजल तो निर्णय नहीं किया है, जिस कारण पूरे हिंदू समाज एक बड़ी रोष की लहर उत्पन्न हो रही। दूसरी गल कि छापरगंडी बराज प्रोजेक्ट का काम 1 महीने तो वह हो गया जो शुरू हो गया है, तो मुक्तेश्वर धाम कि बचाना है तो किमें बचाना है वो अज तक इन्होंने सुनिश्चित नहीं किया हो कि बचावे बचाना तो बचाना किदा है। अगर सरकार प्रशासन अगर जल्द ही ये विषय जल्द ही कोई प्रपोजल तैयार नहीं की जो कि सारे लोगों की डिमांड जो समिति की डिमांड है कि 100 मीटर लंबी दीवार 65 फुट उच्ची दीवार लगाई जाए, अगर नहीं करती तो आप 1 महीने के बाद आप जन अंदोलन फिर तो शुरू कर देंगे जिस जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की होगी।